राधे राधे फ्रेंड्स, नाउ आप लोगों के दो मैंने चैप्टर्स आपको करा दिए, एक आपका चैप्टर नंबर 13, एक आपका चैप्टर नंबर 14। 13 आपका एलपीपी था और 14 आपका लर्निंग कर्व था। ये दोनों ही चैप्टर इंस्टीट्यूट आपको अलग से नहीं कराता है, जस्ट एप्लीकेशन दे रखा है सम्स के अंदर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, प्राइसिंग डिसीजन हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, उन सब में और आपका मार्जिनल कॉस्टिंग में, डिसीजन मेकिंग में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं ग्राफ से रिलेटेड, और मैंने आपका सिंप्लेक्स भी कवर कर दिया था। होप आप उसको अच्छे से कवर करेंगे। इवन फॉर सिंप्लेक्स को भी एक बार आप जरूर देख के जाइए ताकि देर इज नो टेंशन। नाउ फ्रेंड्स, एज फार एज द कॉस्टिंग पार्ट इज कंसर्न, मैं सबसे पहले आपका बोलूंगा आपको करने के लिए, एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर 11, एंड चैप्टर नंबर 11 इज ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 11.1। हम लोगों ने क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में रखे ताकि आपको हेल्प हो जाए करके ना, कुछ भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका जो आंसर है, उसका जो भी आंसर है वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फ्रेंड्स एक ऐसा टॉपिक है, कि आपके सारे टॉपिक कॉस्टिंग के, कोई भी टॉपिक कॉस्टिंग का हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जिस पर्सन को, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो लोग फॉर्मूला बाय हार्ट करते रहते हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को क्या करते हैं, ऑप्शन पे ले लेते हैं, तो ICI भी उनको फिर ऑप्शन पे ही लेता रहता है। तो ये भूल कभी मत करना कि मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑप्शन पे लेना है, क्योंकि मैं आपको जो सिखाऊंगा उसमें आई एम नॉट गोइंग टू यूज योर एनी फॉर्मूला। मैं आपको कोई भी एक सिंगल फॉर्मूला भी, मैं आपको पूरे सब्जेक्ट के अंदर, पूरे टॉपिक के अंदर आपको एक भी, चाहे वो डिसीजन मेकिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, शटडाउन पॉइंट है, लिमिटिंग फैक्टर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, कहीं पे भी नॉट ए सिंगल फॉर्मूला, आपको पूरा लॉजिक आपको क्लियर करूंगा। लेकिन हाँ, लॉजिक के साथ साथ आपको लिखा दूंगा ताकि आप लोगों ने अगर मेरे से इंटर में नहीं पढ़ रखा है या आप लोगों को थोड़ा याद रखने के लिए याद रखना है तो मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी अपना जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चलेगा वो पूरा की पूरा चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, आपको लॉजिक के ऊपर ही पूरा लेके चलना। एक ऐसा टॉपिक है जो आपका चैप्टर है परफॉर्मेंस एनालिसिस, उसमें भी काम आएगा, और बाकी के भी कॉस्टिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं वो बिना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझे नहीं हो सकते। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टुडे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जैसा कि आपके SEMPE पे आप लोगों ने नाम सुना होगा, इज ए केस स्टडीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो केस स्टडी के लिए फ्रेंड्स आपको ये पूरा लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने इतनी अच्छे तरीके से केस स्टडी और थ्योरी के वीडियोस डाले हुए हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ के CA बन गए, उन्होंने डाले हुए हैं, कुछ मेरे कलीग्स हैं मेरे साथ पढ़ाते, इतनी मेहनत करके आपको यूट्यूब पर केस स्टडीज के लेक्चर डाले हुए हैं, एंड आई सजेस्ट यू टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दैट। केस स्टडी में फ्रेंड्स क्या रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर केस का स्टडी करके बताना है कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए था और क्या हुआ और क्या करना चाहिए करके। ओके, तो आप मान के चलिए, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं, दिस इज ए केस स्टडी ऑफ DKC, दिस इज योर केस स्टडी ऑफ DKC रजिस्टर्ड, बराबर। सपोज इमेजिन योर सेल्फ, आप जरा सोचिए, इमेजिन योर सेल्फ कि सपोज यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप CA बन चुके हैं, कैसा लग रहा है बताइए? आप CA बन चुके हैं, कैसा लग रहा है बताइए आप? बिना एग्जाम लेके अगर CA बन जाएगा तो किसको मजा नहीं आएगा, राइट फ्रेंड्स? आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा ये सुन के। क्यों? अब मैंने, आप बोलोगे सर आपने ये क्वेश्चन क्यों बोला कि इमेजिन योर सेल्फ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए
अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए आप किसी भी चीज का आंसर करते हो, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए अगर आप किसी भी चीज का आंसर करते हो, सीए होते हुए अगर आप किसी भी चीज का आंसर करते हो, तो आपके आंसर में दम रहता है। आप बहुत सोच के समझ के उस चीज का आंसर करते हो। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इमेजिन योर सेल्फ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि अब मैं जो आपसे पूछूंगा तो आप बहुत ध्यान से आंसर करेंगे। चलो, आपने सीए पास कर लिया, सीए पास करने के बाद आपके योर डैड इज ए वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके पास बहुत सारी फैक्ट्रीज है। तो आपने डैड को बोला कि पापा आई वॉन्टेड टू ज्वाइन विद यू, राइट? आपने किसको बोला? डैड को बोला कि आई वॉन्टेड टू ज्वाइन विद यू, मैं आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। एकदम ध्यान से, ये केस स्टडी है सपोज रिलेटेड टू डीकेसी, आप बहुत ध्यान से चीजों को सुनिए, समझिए, तब जाके आपका प्योर लॉजिक 100% क्लियर हो जाएगा। आपको मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि दिस इज ए केस स्टडी रिलेटेड टू योर डीकेसी। डीकेसी का सीए कोर्स है और आपने सीए कोर्स पास करने के बाद आपने बोला डैड को कि डैड आई वॉन्टेड टू ज्वाइन योर बिजनेस। डैड को आपने बोला आई वॉन्टेड टू ज्वाइन बिजनेस। डैड बोले ठीक है, बोले एक अपना गुजरात में फैक्ट्री है, से जामनगर गुजरात में आपका फैक्ट्री है, दिस इज योर जामनगर गुजरात के अंदर एक फैक्ट्री है। बोले डैड फैक्ट्री आप देखो, और सेल्स जो है, सेल्स ऑफिस जो मेरा है, दिस इज माई सेल्स ऑफिस एंड माई सेल्स ऑफिस इज इन मुंबई। आपका सेल्स ऑफिस आपका ये गुजरात, गुजरात में आपका क्या है, फैक्ट्री है, और आपका सेल्स ऑफिस कहाँ है, मुंबई। आप क्या बन गए? आप सीए बन गए, बराबर। डैड बोले ठीक है, आई टेक केयर फॉर प्रोडक्शन, मैं प्रोडक्शन का ध्यान रखता हूँ और तू सेल्स का ध्यान रख, एंड देन वी विल डू द बिजनेस, जीएसटी ये वो मार्केटिंग के प्राइसिंग वो सब तू देख करके, और मैं क्या देखूंगा, मैं गुजरात की फैक्ट्री को, जामनगर की फैक्ट्री को देखता हूँ, तो और अपन बिजनेस करते हैं, राइट? इज दिस क्लियर? तो व्हाट इज द केस स्टडी? दिस इज केस स्टडी रिलेटेड टू डीकेसी ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ये डीकेसी में आपको देखना है, सही है सोना फ्रेंड? ठीक है, फेरिजा फैक्ट्री एक बार बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेरिजा फैक्ट्री, योर फैक्ट्री इज इन जामनगर गुजरात, वेर आर यू? यू आर इन मुंबई, राइट? आपका सेल्स ऑफिस कहाँ पर है? आपका सेल्स का ऑफिस कहाँ पर है? इज इन, आप सीए हो गए, सीए होने के बाद आपने सेल्स ऑफिस बनाया मुंबई में, वेर इज योर फैक्ट्री? योर फैक्ट्री इज इन जामनगर गुजरात, बराबर। अब जैसे ही आपने ओपनिंग में आप अपने सेल्स ऑफिस पहुंचे मुंबई में, दिस इज योर मुंबई, मुंबई में आप अपने सेल्स ऑफिस पहुंचे, आप अपने सेल्स ऑफिस पहुंच गए, जैसे ही आप सेल्स ऑफिस में मॉर्निंग में पहुंचते हो, आपके पास एक कस्टमर आता है, एक कस्टमर आपके पास चल के आता है, ये आपका कस्टमर है, राइट? आपने अपना प्रोडक्ट का नाम रखा सपोज से डीकेसी लिमिटेड, आपकी कंपनी का नाम है सपोज से डीकेसी लिमिटेड, बराबर। आपने एक कस्टमर को, कस्टमर आपके पास आता है और वो कस्टमर आके आपसे पूछता है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एस वन। आपको 1000 यूनिट बना के मुझे देनी है, आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एस वन। एक कस्टमर आया, कस्टमर आपके डीकेसी ऑफिस में आया, डीकेसी ऑफिस कहाँ पर है आपका? मुंबई में, और आप उसके हेड हैं, और आपने बोला कि चलो अपन बिजनेस करते हैं, डैड का, डैड ने बोला कंपनी का नाम अपन रखेंगे डीकेसी लिमिटेड, ओके? और आपने बोला कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एस वन। नाउ एस वन इज ए टोटली न्यू प्रोडक्ट फॉर यू। कस्टमर क्या बोल रहा है आपसे? कस्टमर आपसे बोल रहा है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एस वन। कस्टमर आपसे क्या बोल रहा है? आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एस वन, राइट? एस वन इज ए टोटली न्यू प्रोडक्ट फॉर यू।
S1 इज ए टोटली न्यू प्रोडक्ट फॉर यू, आप कस्टमर को कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? S1 इज ए टोटली न्यू प्रोडक्ट फॉर यू, आप कस्टमर को कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर आपने प्राइस ज्यादा बोला कस्टमर वॉन्ट परचेज, अगर आपने प्राइस कम बोला आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आप कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? एग्जैक्टली आप कस्टमर को क्या बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? अगर आपने प्राइस ज्यादा बोला आपको क्या होगा, अगर आपने प्राइस ज्यादा बोला कस्टमर खरीदेगा नहीं, कट, और अगर आपने प्राइस ज्यादा कम बोला आपको क्या हो जाएगा, लॉस। आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू फर्स्ट एस्टिमेट द प्राइस। इवन ऑल द टॉपिक्स ऑफ सीए फाइनल, कुछ भी कहीं दुनिया में किसी के पास भी, आप एक सुगर केन जूस वाले के पास जाते हैं, आप उसको बोलते हैं कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1 glass ऑफ जूस, वो जूस आपको बाद में निकाल के देगा, प्राइस आपको पहले बता देता है कैसे। आप किसी भी क्लासेस में आप एडमिशन लेते हैं बराबर, वो पढ़ाएंगे आपको बाद में, आपको पहले बता देते हैं कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट करके। कैसे? ये है डीकेसी सिस्टम, दानी की कॉस्टिंग, जो आप बोलते हैं कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ दानी की कॉस्टिंग। आपको पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा कि हाउ एग्जैक्टली दिस सिस्टम इज वर्किंग। एक बार अगर आपको सिस्टम समझ में आ गया तो केस स्टडी करना बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ही बोलते हैं, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, क्यों फेल हो गया, उधर से क्लास लिया इधर से क्लास लिया। बहुत सारे बच्चे आते हैं, पहले बात नहीं सुनते हैं, कहीं इधर उधर से क्लासेस ले लेते हैं, फिर आते हैं, मैं बोला क्या हो गया, उसका कॉपी देखते हैं, बेसिक ही नहीं मालूम, इसको यही नहीं मालूम, ये तो फॉर्मूला ही बाय हार्ट करता रहा। फिर उनसे पूछते क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम? नहीं सर, आई हैव ए प्रॉब्लम ओनली इन केस स्टडी। अरे बाबा, बाकी के 11 टॉपिक तेरे को आते हैं क्या? 11 इंस्टीट्यूट के टॉपिक हैं, 2 मेरे टॉपिक हैं, लर्निंग कर्व और LPP, वो तेरे को आते हैं क्या? 12वां टॉपिक तेरा केस स्टडी है ना, बाकी के 11 टॉपिक आते हैं, पूछू क्या कुछ? लब्बा गोल हो गया, नहीं आते। तो भैया पहले आप वो 11 टॉपिक्स को तो परफेक्टली करो, उनका ही तो एप्लीकेशन से आपको क्या बनेगा, आपकी केस स्टडी बनेगी। 11 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आपको कौन सा सीखना है, सबसे पहला टॉपिक आपको सीखना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कभी भी कॉस्टिंग अगर स्टार्ट करना है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। Where is your factory? Your factory is in Jamnagar, Gujarat. Where is your sales office? Your sales office is in Mumbai. आपका sales office कहाँ पर है? Mumbai. एक customer आपके पास आता है, एकदम visualize करिए अपने mind में, customer आपके पास आता है, आपकी company का नाम है DKC Limited, आपके पास आता है, आप head हो उसके, आपने sales office संभाल रखा है, आपसे पूछता है कि I wanted to purchase 1000 units of product S1. आप उसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? द क्वेश्चन इज व्हाट, अगर आपने प्राइस ज्यादा बताया तो आपको क्या हो जाएगा, कस्टमर भाग जाएगा, कस्टमर आपसे खरीदेगा नहीं। अगर आपने प्राइस कम बताया आपको क्या हो जाएगा, लॉस। तो आप उसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा एस्टिमेशन, योर एस्टिमेट, या आपको बनाना पड़ेगा इज ए बजट। आपको, क्योंकि आप कस्टमर को ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं पहले बना लेता हूं फिर मैं देखूंगा व्हाट इज द कॉस्ट, देन आई ऐड द प्रॉफिट एंड देन आई, इवन द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, even the actual production takes place after the approval of customer, even the actual production takes place after the approval of customer, but you have to give the cost before the actual production, even the actual production takes place after the approval of customer, but you have to give the cost before the actual product. This is the beauty of dani ki costing. ये जो ब्यूटी है दानी की कॉस्टिंग की, कि इवन योर एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कस्टमर, बट यू हैव टू गिव द कॉस्ट बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या करना पड़ेगा आपको,
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. इवन द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कस्टमर बट यू हैव टू गिव द कॉस्ट बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन. आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू एस्टिमेट, यू हैव टू मेक द बजट. अगर आपको याद हो इंटर में अगर आप मेरे से कॉस्टिंग पढ़े तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर याद हो कि पहला अपन का टॉपिक था इज ए कॉस्ट शीट. वॉट इज कॉस्ट शीट? इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इट इज ए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वॉट इज कॉस्ट शीट बोलो? इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सबसे पहला अपन क्या बनाएंगे, दिस इज योर स्टेप नंबर वन इज कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट मींस इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आप कस्टमर को बोलिए सर आप बैठिए मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. इट मींस सबसे पहले कॉस्ट शीट सपोज फॉर 1000 यूनिट्स ऑफ एस वन. कॉस्ट शीट आपने बनाया दिस इज योर स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर वन इज ए कॉस्ट शीट फॉर 1000. व्हाट इज कॉस्ट शीट? इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. टोटल कॉस्ट यू डिवाइड इन टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मिलके क्या बनेगा प्राइम कॉस्ट. ओके एंड सपोज इनडायरेक्ट कॉस्ट. अब आपने कस्टमर को बोला कि सर प्लीज आप बैठिए मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऐसे. बहुत ध्यान से आप समझिए फ्रेंड्स, यही तो इम्पोर्टेंट है. क्या हो गया आईसीआई को? आप मुझे बताइए, ये सिस्टम कॉस्टिंग नहीं सीखेगा बच्चा तो क्या करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करके. चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने के लिए आप उनसे बहुत आगे हो जाएंगे. न्यू सिलेबस वाले बच्चों से मेरे SCMPE के बच्चे बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे क्योंकि आपको कॉस्टिंग बहुत पता है. कॉस्टिंग बिना तो FM में भी मजा नहीं आएगा आपको. कॉस्टिंग के बिना आपको अकाउंट्स में मजा नहीं आएगा. कॉस्टिंग के बिना आपको लाइफ में मजा नहीं आएगा. फ्रेंड्स मैंने कॉस्टिंग को अपने, मैंने आपको बताया था ना, मुझे बचपन से ही इस चीज़ का बहुत रहता था. मैं पढ़ता था तभी बोलते थे प्रोफेसर एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. मेरे मन में आता था यार कभी सोनू जैन के नाम से क्यों नहीं है डेफिनेशन करके ना, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से क्यों नहीं है डेफिनेशन, कल ये फॉरिनर लोगों के नाम से क्यों होता है. तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा कुछ भी हो जाए मैं ना अपने नाम से कुछ डेफिनेशन बनाऊंगा. फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ना DKC दानी की कॉस्टिंग में बहुत दिक्कत आई थी इसको रजिस्टर्ड कराने में, लेकिन भगवान की कृपा से हो गया. तो अपने को अच्छा लगता है, साले जो फॉरेनर लोग हैं उनको बोलने का अच्छा लगता है कि तुम्हारे नाम पे तो डेफिनेशन है, अपने नाम पे तो पूरा सब्जेक्ट है. राइट, वर्ल्ड में, पूरे संसार में, दुनिया में पहला मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ जिसके नाम पे पूरा सब्जेक्ट रजिस्टर्ड है. DKC मीन्स दानगी कॉस्टिंग. राइट, ऐसे मम्मी मम होती है नानी, लाइफ के लिए जरूरी है पानी, ऐसे कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी. सही है सर. सो हम उसको बोल रहे थे कि 1000 यूनिट का आपको ऑर्डर मिला, 1000 यूनिट के ऑर्डर को हम उसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अगर हम नहीं बताएंगे तो वो खरीदेगा नहीं. हमारी प्रॉब्लम क्या, अगर हम उसको नहीं बताते हैं तो कस्टमर खरीदेगा नहीं. बराबर, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा. और एस्टिमेट करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, स्टेप नंबर वन हम क्या बना रहे हैं बोलो, कॉस्ट शीट डिवाइड इनटू डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला आइटम है आपका डायरेक्ट मटेरियल. बहुत ध्यान से आप जरा सुनिए, दिस इज योर डायरेक्ट मटेरियल. ये आपने क्या किया, एस्टिमेट. ये आपने क्या किया, एस्टिमेट. बराबर, क्या क्या एस्टिमेट किया, एक आपका रहेगा प्रोडक्शन मैनेजर, एक आपका रहेगा रेट मैनेजर, एंड देन यू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट.
ये आपका क्या हुआ एस्टिमेशन, और इसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड या बजट। क्या बोलेंगे, एस्टिमेशन, स्टैंडर्ड और बजट। आपने सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर को फोन लगाया, आपने कस्टमर को बोला सर आप बैठिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहले आपने क्या किया, प्रोडक्शन मैनेजर को फोन लगाया। ओके, प्रोडक्शन मैनेजर को फोन लगा के पूछा सर कैसे हैं, भाभी जी कैसे हैं। बोलता है यार भाभी जी को छोड़ो काम की बात करो। बोले सर आई हैव वन ऑर्डर फॉर 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1, 1000 यूनिट ऑफ S1 बनाने का मुझे ऑर्डर मिला है। एक कस्टमर है वो इस तरह का स्पेसिफिकेशन दे रहा है, इस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, ये आपका प्रोडक्ट है S1 और उसकी मुझे 1000 यूनिट की मुझे ऑर्डर मिली है। कैन यू टेल मी 1000 यूनिट को बनाने में कितने केजी मटेरियल लगेगा। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर उसने कैलकुलेट किया भाई इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है तो एक यूनिट अगर टॉप क्लास क्वालिटी ऑफ मटेरियल रहेगा, अगर एकदम बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल रहेगा, एकदम टॉप क्लास क्वालिटी का मटेरियल रहेगा तो 10 kg पर यूनिट अपना लगेगा। इसका मतलब 1000 units इंटू 10 kg एंड दिस कम्स टू 10,000। कभी भी कॉस्टिंग में 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 रहेगा तो 10,000। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 होता है, सिमिलरली 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 आपका क्या रहेगा 10। यू वांटेड टू राइट द नोट, आपको नोट लिखना है 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 रहेगा तो हमेशा देखो विदाउट कैलकुलेटर ना कितना बड़ा कैलकुलेशन किया मैंने विदाउट कैलकुलेटर। 1000 यूनिट्स इंटू 10 kg आपका क्या हो जाएगा 10,000 kg। ठीक है 10,000 kg। फिर हम लोगों ने रेट मैनेजर को पूछा कि आई वॉन्टेड टू परचेज 10,000 kg ऑफ मटेरियल, आई वॉन्टेड टू परचेज 10,000 kg ऑफ मटेरियल, कैन यू टेल मी कि एक मटेरियल का केजी का क्या रेट है। उसने पूरा कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद आपको बोलता है 10 rupees पर केजी, दिस कम्स टू 1 lakh। बोलो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर सब लोग बोलो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होगा 1 lakh। इट मीन्स आपका ये क्या हो गया डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज योर डायरेक्ट मटेरियल एस्टिमेट किया, ये एस्टिमेट बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, बजट बोल सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर से बात। फॉर टाइमिंग की यू फॉरगेट इट कि यू आर लर्निंग फॉर एग्जाम, पहले पूरा मेरा सिस्टम समझो हाउ एग्जैक्टली दिस धान की कॉस्टिंग इज वर्किंग। आपको सबसे पहले क्या सीखना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सीखना है हाउ एग्जैक्टली दिस दानी की कॉस्टिंग इज वर्किंग, दानी की कॉस्टिंग काम कैसे करती है वो चीज आप समझिए करके ना। एस्टिमेट किया आपने, एस्टिमेट किया स्टैंडर्ड बजट, आपने बात किया प्रोडक्शन मैनेजर से 1000 यूनिट 10 kg आपका क्या हो जाएगा 10,000। रेट मैनेजर को फोन लगाया वो बोलता है 10 rupees पर kg आपका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा रुपीज 1 lakh, दिस इज फॉर 1000 units ऑफ S1। अब जब हम देखेंगे जब एक्चुअल हुआ तो क्या हुआ बाद में देख लेंगे। ये आपका एक्चुअल के टाइम देख लेंगे करके क्या हुआ। अब आप आ जाइए सेकेंड आपका आ जाइए, सपोज डायरेक्ट लेबर, एक प्रोडक्शन मैनेजर रेट मैनेजर टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर में आपका क्या रहेगा प्रोडक्शन मैनेजर रेट मैनेजर एंड टोटल कॉस्ट। आपने फोन लगाया प्रोडक्शन मैनेजर को, पूछा सर कैसे हो, भाभी जी कैसे है। बोलते भाई क्या बार बार भाभी जी पूछ रहा है, काम की बात करना। बोले सर वी हैव गॉट 1000 यूनिट्स का वन ऑर्डर फॉर S1, ये उसका लाइक यू नो स्पेसिफिकेशन है, इस तरह का एक प्रोडक्ट बना के देना है S1, आप मुझे बता पाएंगे एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे। वो बोलता है कर फर्स्ट क्लास स्किल्ड वर्कर रहेगा तो आपका दिस इज एस्टिमेट, ये स्टैंडर्ड और बजट, इसको कुछ भी बोल सकते हैं अपन, ये आपका लगेगा। बोलता है 10 hours per unit, इट मीन्स 1000
यूनिट्स इंटू 10 आवर्स 10,000 आवर्स। रेट मैनेजर से पूछा कि भाई व्हाट इज द रेट इज गोइंग ऑन, बोले 10 रुपीज पर आवर, आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 6 रुपीज 1 लाख। इट मीन्स 1 लाख इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 1 लाख इज द कॉस्ट ऑफ लेबर, 1 लाख इज द कॉस्ट ऑफ लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस नील, आपका प्राइम कॉस्ट 2 लाख। सपोज टाइमिंग देर इज नो इनडायरेक्ट कॉस्ट, इट मीन्स योर टोटल कॉस्ट इज 2 लाख एंड यू वॉन्ट टू चार्ज ए प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, यू वॉन्ट टू चार्ज ए प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, तो आपका सेल्स वैल्यू हो जाएगा 4 लाख। दिस पार्ट इज क्लियर नॉट? बोलो। फर्स्ट इज ए मेटेरियल हम लोगों ने ले लिया 10,000 kg एट द रेट ऑफ 10, 1 लाख। डायरेक्ट लेबर 10,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 10, 1 लाख। डायरेक्ट लेबर 1 लाख, प्राइम कॉस्ट 2 लाख, इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एंड दिस कम्स टू 4 लाख। इट मीन्स 1 लाख इज योर मटेरियल कॉस्ट, 1 लाख इज योर लेबर कॉस्ट, 1 लाख, 1 लाख, टाइमिंग देर इज नो अदर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 2 लाख, चार्ज ए प्रॉफिट 2 लाख, एंड दिस कम्स टू 4 लाख। हम कस्टमर को बोल देंगे 4 लाख रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। इतने ब्यूटीफुल चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स, क्यों ये ICAI क्या कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि न्यू सिलेबस से क्यों ये कॉस्टिंग को हटा रहे। इतना इंटरेस्टिंग यार, बिना कॉस्टिंग के कैसे चलेगा ये कोर्स करके। आर यू गेटिंग? सो इट मीन्स 4 लाख रुपीज आपका क्या हो गया? सेल्स वैल्यू। आपने कस्टमर को बोल दिया 4 लाख रुपीज सेल्स वैल्यू। इसी का एक पार्ट आएगा आगे जाके अपन करेंगे, इज ए टारगेट कॉस्टिंग। कस्टमर बोलता है ना आई विल पे यू ओनली 3,90,000, तो वो आपका क्या हो जाएगा? टारगेट सेलिंग प्राइस। राइट नाउ अभी तो अपन ट्रेडिशनल मेथड कर रहे हैं, फिर अपन मॉडर्न मेथड में जाएंगे। मॉडर्न मेथड इज व्हाट? इज ए टारगेट कॉस्टिंग। आर यू फॉलोइंग नॉट? ये आपका क्या हो जाएगा? सेल्स वैल्यू, एंड सेल्स वैल्यू ऑफ रुपीज 4 लाख। सही है? सुनो, इट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रुपीज 1 लाख, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1 लाख, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नील, प्राइम कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, एंड सेल्स वैल्यू। हमने कस्टमर को बोला भाई 4 लाख रुपीज। इवन द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कस्टमर। Even the actual production takes place after the approval of customer, but we can give the cost before the actual production. Say yes or no, friends? We can give the cost before the actual production. कितना cost इसको बोलेंगे? कितना sales value बोलेंगे? 4 lakh rupees. अब फ्रेंड्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट? ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। नाउ यू कम टू फ्रेंड्स योर स्टेप नंबर 2। दिस इज योर स्टेप नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल। आपका जो P&L अकाउंट है वो हमेशा किस पे बेस करेगा फ्रेंड्स? योर P&L अकाउंट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल। इट मींस आपको सेल्स कितना मिलेगा फ्रेंड्स? बाय सेल्स इज 4 लाख। सही है? सुनो फ्रेंड्स, व्हाट योर सेल्स 4 लाख। कस्टमर ने बोला सर डन, आई वांटेड टू परचेज। हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद सेल किया, सेल करने के बाद हमको कितना सेल्स वैल्यू मिल रहा है? हम लोग को सेल्स वैल्यू मिल रहा है टोटल 4 लाख रुपीज।
व्हाट इज द सेल्स वैल्यू वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग ए सेल्स वैल्यू ऑफ 4 लाख. जब हम एक्चुअल करने गए तो इंस्टेड ऑफ मटेरियल 10,000, मटेरियल यूज्ड 11,000. एट द रेट ऑफ 11 एंड दिस कम्स टू 121. 11,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 11 एंड दिस कम्स टू 120. जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन करने गए, तो इंस्टेड ऑफ 1 लाख आपका मटेरियल कितना यूज हो गया, 121. जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन करने गए, 1 लाख रुपए आपका लेबर कॉस्ट लगना चाहिए, लेकिन आपका लेबर कॉस्ट कितना आ गया, 121. इट मीन्स टू मटेरियल 121, टू लेबर 121 एंड टू नेट प्रॉफिट. फोर लैक्स माइनस 121 माइनस 121 इज 158. आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलो, 158. जब आप एक्चुअल करने गए तो 11,000 एट द रेट ऑफ 11 121, 11,000 एट द रेट ऑफ 11 121, मटेरियल 121, लेबर 121, सेल्स 4 लैक्स एंड नेट प्रॉफिट एंड दिस कम्स टू रुपीज 4 लैक्स. सही है, सुनो, ये आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज से 4 लैक्स. परफेक्टली क्लियर होगा. अब प्रॉब्लम ये आता है, ये साल था, प्रोडक्शन किया, सेल कर दिया, खत्म. अब डैडी बोलते हैं, यार तूने तो बोला था कि 2 लाख का प्रॉफिट होगा, कॉस्ट शीट में किया था ना अपन 2 लाख का प्रॉफिट, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ओनली 158. एक्चुअल जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 158, जबकि होना कितना चाहिए था, आपको होना चाहिए था प्रॉफिट 2 लैक्स. आपको प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, आपको प्रॉफिट होना चाहिए था 2 लैक्स, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ओनली 158. सही है, सुनो, आपको होना चाहिए था प्रॉफिट रुपीज 2 लैक्स, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ओनली 158. साल खत्म हो गया, बात खत्म होगी. सपोज अगेन सेम कस्टमर आपके पास आता है, और आपसे आके पूछता है कि आई वांटेड टू परचेज अगेन 1,000 units ऑफ प्रोडक्ट S1, क्या आप उसको 4 लैक्स में दे दोगे, क्योंकि आपको मिनिमम प्रॉफिट चाहिए 2 लैक्स, आपको प्रॉफिट आ रहा है 158, या फिर आप अपनी कॉस्ट को रिवाइज करोगे, बताइए कमेंट करके. क्या आप उसको 4 लाख में बना के दोगे तो प्रॉफिट आपको 158 ही होने वाला है, या फिर आप रिवाइज करके कॉस्ट ऑफ फिर उसमें 2 लाख रुपीस ऐड करोगे, क्या करोगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं समझ पाऊंगा कि आपको कैसे समझ में आ रहा है ये चीज, परफेक्टली आपको बराबर से ये जा रही है, आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बताइए. सही है, सुनो, इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या बनाएंगे, अपने को देखना पड़ेगा कि वेदर दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल लॉस और अनकंट्रोलेबल लॉस, वेदर दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल लॉस और अनकंट्रोलेबल लॉस. सबसे पहले आप ले लीजिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट. क्या प्रॉफिट आपने सोचा था कॉस्ट शीट पे, 2 लैक्स. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट 2 लैक्स. क्या प्रॉफिट आपने सोचा था प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट 2 लैक्स. अब मटेरियल कॉस्ट, क्या आपने सोचा था 1 लाख, लेकिन क्या मटेरियल कॉस्ट आ रहा है, 121. इट मींस ड्यू टू मटेरियल आपको कितने का लॉस हो गया, 21,000. देन
ड्यू टू लेबर आपको कितने का लॉस हो गया 21,000 एंड दिस कम्स टू 158. दिस इज योर प्रॉफिट एज पर पीएनएल. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट आपका कितना था 2 लैक्स. आपने क्या प्रॉफिट सोचा था जब कॉस्ट शीट बनाई थी 2 लैक्स, लेकिन जब आप एक्चुअल में गए तो 1 लाख की जगह मटेरियल यूज हो गया 121, तो 21,000 मटेरियल की वजह से लॉस हो गया. देन लेबर आपने सोचा था 121 लेबर की वजह से 21, और आपका प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट कितना आएगा, दिस कम्स टू 158. आपका पी एंड एल अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसके साथ मैच हो गया. अब आपको ये देखना है कि ये जो लॉस हुआ है 21,000 का, ये जो आपने लॉस किया है 21,000 का, जो आपने लॉस किया है वो लॉस कंट्रोलेबल है या वो लॉस अनकंट्रोलेबल है, तभी तो आप डिसीजन ले पाएंगे. यही तो परफॉर्मेंस एनालिसिस है, यही चीजें तो हमें बिजनेस देती हैं. हमारे अडानी की कॉस्टिंग का जो कंसल्टेंसी बिजनेस है वो यही तो है. हमको यही तो बताना है कंपनी को कि ये 21,000 कंट्रोलेबल लॉस है कि अनकंट्रोलेबल है, ये 21,000 रुपीज कंट्रोलेबल लॉस है कि अनकंट्रोल. नेक्स्ट टाइम आपको क्या लेने का, जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या मटेरियल का कॉस्ट 1 लाख लेने का कि मटेरियल का कॉस्ट 121 लेने का, हमको वही तो स्टूडेंट को समझाना है. यहां से आपका काम स्टार्ट होता है और यही पार्ट आपका पूरा कॉस्टिंग सो ब्यूटिफुली, इतना अच्छा आपने ड्राफ्ट किया था SEMP, क्यों हटा दिया आपने, समझता नहीं है करके. यहीं से तो आपको पता चलेगा, यहीं से तो बच्चे को पता चलेगा परफॉर्मेंस एनालिसिस. परफॉर्मेंस एनालिसिस मींस आपने क्या सोचा था, क्या हो गया, हो गया तो क्यों हुआ, वेदर दिस लॉस इज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल. आर यू फॉलोइंग नोट, ये लॉस आपका कंट्रोलेबल है या ये लॉस आपका अनकंट्रोलेबल है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड, दिस इज योर स्टेप नंबर 4. This is your step number 4 is analysis of variance. Step number 4 आपका क्या हो जाएगा friends? This is your analysis of variance. Analysis of variance. सबसे पहले आप ले लीजिए इसको costing की language में बोलेंगे मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस. क्या कॉस्ट आपने सोचा था 1 लाख, क्या कॉस्ट आपने सोचा था 1 लाख, आ रहा है 121, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 21,000. आपने क्या कॉस्ट सोचा था 1 लाख, आपको क्या कॉस्ट आ रहा है 121, देयर इज अ लॉस, लॉस ऑफ रुपीज 21,000. नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, एक को हम बोलेंगे प्रोडक्शन मैनेजर और एक को हम बोलेंगे परचेज मैनेजर. एक को हम बोलेंगे प्रोडक्शन मैनेजर और एक को हम बोलेंगे प्रोडक्शन मैनेजर. ने आपको क्या बोला था 10,000 केजी मटेरियल लगेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या लगा 11,000 केजी, और उसकी वजह से हमें लॉस कितना हो गया फ्रेंड्स, उसकी वजह से हमें लॉस हो गया 1,000 केजी. प्रोडक्शन मैनेजर ने आपको क्या बोला था कितने केजी मटेरियल लगेगा. प्रोडक्शन मैनेजर ने आपको क्या बोला था कितने केजी मटेरियल लगेगा, उसने बोला 10,000 केजी मटेरियल लगेगा, ये उसने बोला था. लगा कितना, लगा 11,000. कितने का लॉस हो गया, लॉस हो गया आपको 1,000 केजी. अब आपको मोनेटरी टर्म्स में देखना है, आप उसको बोलते हो भाई 10,000 आपने मेरे को बोला था, मैंने 11 परचेज किया, 1,000 केजी एक्स्ट्रा लग गया और आई बॉट एट द रेट ऑफ 11, तो आपकी वजह से 11,000 का लॉस हो गया. विल ही एग्री, आप उसको क्या बोलोगे, सर आपने बोला था 10,000 केजी मटेरियल लगेगा,
ठीक है साहब 10,000 केजी लगना चाहिए, लगा कितना 11,000, कितना एक्स्ट्रा लगा 1,000, क्या रेट से आपने परचेज किया 11, आपको लॉस कितना हो गया 11,000 केजी, आपको लॉस कितना हो गया 11, विल यू एग्री, आंसर इज नो। प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा सर मैंने आपको बोला था 10,000 केजी मटेरियल लगेगा, मैंने आपको क्या बोला था 10,000 केजी मटेरियल लगेगा, मैंने आपको क्या बोला था बताइए 10,000 केजी मटेरियल लगेगा, लेकिन लगा कितना 11,000, कितना एक्स्ट्रा लगा 1,000, एग्री, बट आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेट फ्लक्चुएशन, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेट फ्लक्चुएशन। इसका मतलब अगर आपके प्रोडक्शन मैनेजर ने 10 की जगह 10 में परचेज किया होता, अगर आपका प्रोडक्शन मैनेजर 10 की जगह 10 में परचेज करता तो मेरी वजह से कितना लॉस होता था 10,000। ये तो आपके परचेज मैनेजर की मिस्टेक है ना, उसने 10 की जगह परचेज कर दिया 11 में, अगर वो 10 की जगह 10 में परचेज करता तो मेरी वजह से कितना लॉस होता था ओनली 10,000। इट मींस व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट, whenever there is a quantity part you multiply by standard rate, whenever there is a quantity part you multiply by standard rate, whenever there is a quantity part you multiply by standard rate, okay। इसका मतलब अगर आपको इसको फॉर्मूला में देखना है, बहुत बच्चों को फॉर्मूला का रहता है, और आपको अगर आपको इंटरमीडिएट में आपने मेरे साथ पढ़ाया था तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, नहीं पढ़ाया तो ये क्या फॉर्मूला था याद है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, दिस इज द लॉस ड्यू टू मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट की वजह से कितने का लॉस हो गया 1,00,000 कॉस्ट सोचा था 121 आ रहा है, कितने का लॉस हो गया 21,000, इट मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, एक आपका प्रोडक्शन मैनेजर, एक आपका परचेज मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था 10,000 केजी मटेरियल लगना चाहिए, लगा कितना 11,000 इंटू 10, आपका लॉस कितना हो जाएगा 10,000। इट मींस फॉर्मूला आपका बन जाएगा दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड। आपको चाहिए आप फॉर्मूला करो, लेकिन मेरे साथ रह के आपको फॉर्मूला कुछ भी हेल्प करने वाला नहीं है, आप एक एक कंसेप्ट को लेके चलोगे तो आपका काम होगा, अगर आप कंसेप्ट को लेकर नहीं चलोगे तो आपका काम नहीं। सही है सुनो फ्रेंड, इट मींस ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। रेट मैनेजर क्या बोलता है, रेट मैनेजर बोला था 10 रुपीज में खरीदूंगा, लेकिन उसने खरीदा कितने में 11। सपोज आप और मैं बैठे हैं क्लास के अंदर, बहुत लॉजिकली आप सोचिए, ये आपको क्लियर हुआ व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। अगर आपका परचेज मैनेजर 10 की जगह 10 में परचेज करता, अगर आपका परचेज मैनेजर 10 की जगह 10 में परचेज करता तो लॉस कितना होता था 10,000 माइनस 11,000, 1,000 एक्स्ट्रा इंटू 10, एंड ये आपका क्या हो जाएगा बोलो 10,000। सही है सुनो, बराबर, अभी आप और मैं दोनों जन बैठे हुए क्लास के अंदर, मैं बोला देख नीचे ना डाउन एक एप्पल वाला खड़ा है, डाउन में ना एक एप्पल वाला खड़ा है, और मैं अभी पूछ के आया, वो बोलता है कि 10 रुपीज का एक एप्पल है, ए फॉर एप्पल, क्या बोल रहे हैं, एट द रेट ऑफ रुपीज 10, 10 रुपए का एक एप्पल है, तो देख ऐसा कर दो एप्पल लेके आ, 20 रुपीज लेके जा, ये दो एप्पल लेके आ और अपन एक एक एप्पल ब्रेक में खा लेंगे। अब आप नीचे गए, आपने कहा ठीक है सर मजा गया एक एक एप्पल खाएंगे, आप नीचे गए, जब नीचे गए तो एप्पल वाले के पास एप्पल खत्म, उसके पास एक ही एप्पल बचा, और बोलता नहीं मैं तो 11 रुपीज में लूंगा। आपने कहा ठीक है यार अभी सर ने बोला है तो लेके चलते एक एप्पल, बराबर, आपने क्या किया 11 × 1 11 रुपीज का एक एप्पल परचेज कर लिया, आप लेके आ गए, बराबर, आपने बोला चलो आधा आधा खा लेंगे, ठीक है।
अब मैं आपको बोलता हूँ यार, मैंने आपको बोला था 10 रुपीज का एप्पल लाने के लिए और आप लेके आए 11, बराबर 1 रुपये का लॉस हो गया। मैंने आपको क्या रेट में एप्पल बोला था? 10। मैंने आपको क्या रेट में एप्पल बोला था? 10। आप क्या रेट में लेके आए एप्पल? 11, 1। और मैंने आपको 2 एप्पल लाने को बोला था तो आपकी वजह से 2 रुपीज का लॉस हो गया। विल यू एग्री? आप मुझे बताइए, क्या आप एग्री करेंगे? 10 रुपीज के एप्पल की जगह आपने कितना एप्पल लाए? 11। इट मीन्स हाउ मच एक्स्ट्रा यू आर पेइंग? 1 रुपये। हाउ मच एक्स्ट्रा यू आर पेइंग? बोलो 1 रुपये। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार 1, और मैंने आपको 2 एप्पल लाने को बोला, क्या आप एग्री करेंगे? आंसर इज नो। आप बोलोगे सर 10, 10 की जगह मैंने कितना पे किया? 11। 10, 10 की जगह मैंने कितना पे किया? 10, 10 की जगह मैंने कितना पे किया? 11। 10, 10 की जगह मैंने आपको कितना पे किया? 10, 10 की जगह मैंने कितना पे किया? 11। इट मीन्स 1 रुपये एक्स्ट्रा पे किया। लेकिन ऑन व्हाट? जो क्वांटिटी मैं खरीद के लेके आया हूँ, मैं तो एक ही एप्पल लेके आया हूँ, तो मेरी वजह से लॉस कितना होगा? 1 रुपये ही होगा ना फ्रेंड। इट मीन्स वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, वेन एवर देर इज ए रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी। आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितना खरीदा है? ओनली 1 एप्पल। इट मीन्स क्या रेट था? 10। 10 की जगह आपने क्या पे किया? 11। लेकिन ऑन व्हाट तो क्वांटिटी खरीदा था? 11,000। और आपको लॉस हो जाएगा 11,000। आपका लॉस हो जाएगा 11। और इसी को अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला था स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, और आपका टोटल लॉस हो जाएगा ₹11,000। आपका जो टोटल लॉस हो जाएगा वो टोटल लॉस आपका हो जाएगा ₹11,000। सही है, सुनो फ्रेंड्स, ये आपका 11,000 का लॉस हुआ, ये आपका 10,000 का लॉस हो गया, और ये आपका टोटल हो गया 21,000। मीन्स 21,000 का जो टोटल लॉस हुआ उसमें से 10,000 प्रोडक्शन मैनेजर और 11,000 रेट मैनेजर। परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब हम इन मैनेजर से पूछेंगे कि भाई ये जो 10,000 का लॉस हुआ है, 10,000 का जो मटेरियल लॉस हुआ है वो कंट्रोलेबल है कि अनकंट्रोलेबल है? दिस इज कंट्रोलेबल लॉस है या ये अनकंट्रोलेबल लॉस है? आपने बोला था 10,000 लगेगा, लेकिन आपने यूज किया 11,000, तो अभी नेक्स्ट ईयर 10 लगेगा कि 11 लगेगा? वो आपको बोलता है, नहीं सर, आई टोल्ड यू फर्स्ट ओनली, आई टोल्ड यू फर्स्ट ओनली कि वी वांट फर्स्ट क्लास क्वालिटी ऑफ मटेरियल, बट योर मटेरियल वॉज नॉट अप टू द मार्क। मैंने आपको पहले ही बोला था कि वी वांट फर्स्ट क्लास क्वालिटी ऑफ मटेरियल। मैंने आपको क्या बोला था कि हमको फर्स्ट क्लास क्वालिटी ऑफ मटेरियल चाहिए, बट दैट मटेरियल वॉज नॉट अप टू द मार्क। मेटेरियल अप टू द मार्क नहीं था, इसका मतलब मुझे स्क्रैप निकालना पड़ा 1,000 kg। मुझे स्क्रैप निकालना पड़ा 1,000 kg। इट मीन्स वेन एवर देर इज ए लॉस, ये लाइन आप मेरी हमेशा जिंदगी भर याद रखना कि वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कांट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। Whenever there is a loss because of your own mistake, that loss you can't recover from the customer. Or if you are going to recover, you cannot survive because your cost of production will increase. It means even the consumption is 11,000, next year अगर आप अच्छा quality का material लेंगे तो ये आपको लेना पड़ेगा 10,000 kg। It means अगर controllable loss है, अपनी वजह से loss हुआ है, तो आपको change करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने को लगता है कि नहीं, वो प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है, नहीं सर आपने मुझे पूछा था भाभी जी कैसे, तो आई गॉट वेरी कन्फ्यूज, मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो गया, तो सर मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को लगा 10 kg लगेगा, लेकिन मिनिमम अपने को चाहिए 11 kg पर यूनिट। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर अगर ये बोलता है कि 11 लगेगा तो दिस इज ए अनकंट्रोलेबल लॉस, और नेक्स्ट ईयर आपको लेना पड़ेगा 11,000। नेक्स्ट ईयर आपको लेना पड़ेगा 11,000 kg, नॉट 10,000 kg।
आपको रेट मैनेजर बोलता है कि भाई मैंने तो आपको 10 बोला था रेट, क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ, कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है? बोले नहीं सर, रेट तो 10 ही है, लेकिन इस बार क्या हुआ, देर वॉज ए इलेक्शन इन गुजरात और हमको सर मटेरियल नहीं मिल रहा था, हमको ये ऑर्डर कंप्लीट करके देना था, इसके लिए 10 की जगह सर मैंने 11 पे किया। इट मीन दिस इज ए कंट्रोलेबल लॉस, नेक्स्ट ईयर हम आपको कितने में मिलेगा, 10 रुपीज में मिलेगा। और वो बोलता है नहीं सर 10 रुपीज रेट करेक्ट है, लेकिन पहले अपने को बिना बिल के माल मिल जाता था, अभी क्या एक GST और है 10%, वो मैं लेने को भूल गया, इट मीन्स एड वन एंड दैट्स वाई दिस इज कमिंग 11। इट मीन दिस इज अनकंट्रोलेबल लॉस, नेक्स्ट टाइम आपको क्या लेना पड़ेगा, 11 एंड नॉट 10। तो ये सब अपन परफॉर्मेंस एनालिसिस के टाइम पे करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 7 है परफॉर्मेंस एनालिसिस, वहाँ पे हम लोग इसको करेंगे। लेकिन पहला आप ये बताइए कि ये पार्ट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं, ये आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, वेन एवर देर इज ए रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी। अब आप खोल लीजिए, मैंने आपको दिया हुआ है, इनको बार 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 लेक्चर को सुनिए आप, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने आपको क्या बताया था, हियर इज योर फैक्ट्री इज इन जामनगर गुजरात, यू आर सिटिंग इन मुंबई, मुंबई में आप बैठे हैं, आपके पास कोई कस्टमर आएगा, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट एस्टिमेट करेंगे, सब कंसर्न पर्सन से बात करेंगे, आप कॉस्ट शीट बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 आप क्या बनाएंगे, योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो एक्चुअल के बेस पे रहेगा। स्टेप नंबर 3 रिकंसिलिएशन, स्टेप नंबर 4 योर एनालिसिस ऑफ वेरियंस, एनालिसिस ऑफ वेरियंस तक ही आपके सिलेबस में है, आगे चल के फिर एनालिसिस ऑफ वेरियंस है परफॉर्मेंस एनालिसिस में, कमेंट्स पार्ट एंड ऑल पर परफेक्टली क्लियर। अब जरा देखिए, मैंने आपको थ्योरी नोट्स दिए हुए हैं, योर पेज नंबर 11.1 पे आप जरा देख लीजिए, पॉइंट नंबर पॉइंट्स टू बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ एनालिसिस फॉर वेरियंस व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट एंड व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी and whenever there is a quantity part multiply by standard rate and whenever there is a rate part you multiply by actual quantity. Dusra point very very important, analysis of material comma labor comma variable overhead is always based on actual production. Analysis of material comma labor comma variable overhead is always बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। मैंने लिख के दिए हैं सारे पॉइंट्स आपको, ये सॉल्यूशन बुक आपके पास होनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप करिए 9820303925 पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको भेज देता हूँ। 11.1 मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, तो मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, बराबर। जैसे सपोज आप मेरे प्रोडक्शन मैनेजर हैं, मैंने आपको बोला कि 1000 यूनिट मेरे को बनाना है, 1000 यूनिट बनाना है किसका, S1 का, 1000 यूनिट मुझे बनाना है किसका, S1 का, कितने केजी मटेरियल लगेगा? आपने बोला यार अगर फर्स्ट क्लास क्वालिटी का मटेरियल रहेगा तो 1000 इंटू 10 केजी पर यूनिट, इट मीन्स 10,000। रेट मैनेजर से पूछा क्या रेट चल रहा है, बोले 10, आपका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, ₹1,00,000। कभी भी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ₹1,00,000। आप मेरे प्रोडक्शन मैनेजर हैं, मैंने आपको क्या बोला, 1000 यूनिट बनाने का है, 1 यूनिट को बनाने में कितना केजी मटेरियल लगेगा, आपने बोला 10 केजी, इट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 10,000 at the rate of 10,000 केजी, रेट आपका क्या रहेगा 10, आपका टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, 1,00,000। जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन करने गए आपको क्या लग गया, 1200 यूनिट्स आपने बनाए। ऐसा थोड़ी है कि 1000 का ऑर्डर नहीं मिला था एग्जैक्ट, कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, यूनिट्स कम ज्यादा हो सकती है, अपने स्टॉक क्लियर आ ली कि कस्टमर को पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 1200 यूनिट्स आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया। अब एक्चुअल मटेरियल यूज 13,000 केजी
एट द रेट ऑफ 10 130। KG मटेरियल एक्चुअली यूज्ड एट द रेट ऑफ 10 और आपका मटेरियल कॉस्ट कितना आ गया 130,000। 13,000 KG मटेरियल एक्चुअली यूज्ड और 10,000 13,000, इट मींस 3,000 KG का आपका लॉस हो गया। अब मैं आपको बोलता हूँ यार, आपने तो बोला था 10,000 में बन जाएगा, लेकिन आपने प्रोडक्शन कितने में किया? 13,000 KG में। क्या आप एग्री करेंगे? विल यू एग्री? आप क्या बोलेंगे? सर मैंने 1,000 के लिए आपको 10,000 बोला था, आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया? 1200। तो मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड दानी सर ने बताया था कि नहीं आपको, कि जब तक समुंदर में पानी रहेगा कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी रहेगा। आप भी दानी सर के स्टूडेंट हैं, मैं भी दानी सर का स्टूडेंट हूँ। दानी सर ने क्या सिखाया था अपने को? मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। 10,000 KG मटेरियल लगेगा किसके लिए? 1,000 यूनिट्स। आपने बनाया कितना है? 1200। कितना लगना चाहिए? 12 लगना चाहिए। यहाँ पे आएगा 12,000, 12 लगना चाहिए, लगा 13, इट मीन्स यस यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 1,000 KG। इट मीन्स मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल। इन दोनों को कंपेयर 10,000 और 13 को नहीं कर सकते। 10,000 किसके लिए था? 1,000 यूनिट्स के लिए था, और ये किसके लिए है? 1,200 यूनिट्स के लिए। तो कभी भी आएगा और डिटेल में मैं आपको कराऊंगा। तो पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको दिया है पेज नंबर 11.1 पे, एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। नाउ फ्रेंड्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इस बार जो एग्जाम में सम आया था मई 22 में आपका जो आया था मई 2022 में जो सम आया था वो इसी के ऊपर बेस होके आया है आपका। मई 22 में जो आपका सम आया था वो इसी के ऊपर बेस होके आया था। पूरा की पूरा ये कंसेप्ट ही उन्होंने मई 22 में, और फ्रेंड मेरा गारंटी है मैक्सिमम स्टूडेंट का वो गलत हुआ होगा। मैंने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देखिए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिल जाओगे आप देख के। वो जरूर आप देखिएगा वीडियो, मई 22 का एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, मई 22 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आया था। आप जाओ आप देखिए मैंने क्या लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बट एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। ये जरा ध्यान रखना, इट मीन्स बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू योर बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बट एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको? बोलिए यस और नो। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है आपको? ये क्या होना चाहिए? एक्चुअल प्रॉफिट तो क्या होना चाहिए? एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस, मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ एनालिसिस फॉर वेरियंस। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरियंस। ये पॉइंट्स आपको कब ध्यान रखने हैं? एट द टाइम ऑफ एनालिसिस फॉर वेरियंस। ये पॉइंट्स आपको कब ध्यान रखने हैं? एट द टाइम ऑफ एनालिसिस फॉर वेरियंस। ये पूरा कंसेप्ट सुनने के बाद आप मई 22 वाला सम जरूर देखना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था आपको। आर यू फॉलोइंग ऑन नॉट फ्रेंड? ये आप जरा बराबर से ध्यान से सुनिए, बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बट एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस, योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस फ्रेंड्स योर बजटेड कॉस्ट, योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस
बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। अब इसको आप जरा देखिए, मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है आपको, सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है, एंड दिस एग्जांपल रिलेटेड टू योर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मैनेजर, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मैनेजर, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मैनेजर, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मैनेजर। सपोज आप मेरे प्रॉफिट मैनेजर हैं, आप मेरे कौन से मैनेजर हैं, यू आर माई प्रॉफिट मैनेजर। मैंने आपको बोला कि भाई ये आपका एक बजट है, ये प्रोडक्ट है सपोज P1, उसके आपको यूनिट सेल करने हैं 1000, सेलिंग प्राइस रहेगा 100, कॉस्ट आएगा 80, आपको प्रॉफिट कमा के देना है 20, एंड आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा से 20,000। आपको बजट बनाना है, बजट में आपका एक प्रोडक्ट है P1, उसके 1000 यूनिट बेचने हैं, सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट 80, प्रॉफिट 20, और आपका टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा 20,000। जब आप एक्चुअल में सेल करने गए P1 1000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट आपका हो गया 90, प्रॉफिट आया 10, और यहाँ पे प्रॉफिट आया 10,000। अब मैं आपको बोलता हूँ, यार आपको तो बोला था 20,000 पर आपने प्रॉफिट कमा के दिया 10,000, आपकी वजह से 10,000 का लॉस हो गया। इसी के ऊपर आपका May 22 वाला क्वेश्चन है, इसी के ऊपर आपका May 22 वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, एक्चुअल में आप क्या करने गए, P1 आपने 1000 यूनिट सेल की, 100 रुपये के हिसाब से 90 रुपीज़, 10 रुपीज़, और आपको प्रॉफिट आया 10,000, लॉस हो गया 10,000। क्या मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपकी वजह से 10,000 का लॉस हो गया, क्योंकि आपको मैंने बोला था प्रॉफिट 20, आपने कमा के दिया 10, और आपकी वजह से लॉस हो गया 10,000। क्या आप इस चीज़ को एग्री करेंगे? आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, आपने मुझे क्या बोला था P1, मैंने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया P1, आपने मुझे क्या बोला था P1, मैंने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया P1, आपने कितने यूनिट्स बोले थे 1000, मैंने कितना यूनिट सेल किया 1000, आपने मुझे क्या बोला था 1000, मैंने कितना यूनिट सेल किया 1000, आपने क्या सेलिंग प्राइस बोला था 100, मैंने कितने में सेलिंग प्राइस लिया 100। अब अगर कॉस्ट बढ़ के 80 की जगह 90 हो जाता है, दिस इज ए कॉस्ट इंक्रीज, तो क्या मैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूं? सोचिए थोड़ा। आपने मुझे बोला P1, मैंने क्या सेल किया P1, आपने बोला 1000 यूनिट, मैंने कितना सेल किया 1000, आपने बोला सेलिंग प्राइस 100, मैंने कितने में सेल किया 100। अब कॉस्ट बढ़ के 80 की जगह 90 हो जाता है, तो एम आई रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं? से यस और नो फ्रेंड्स, क्या मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं? आंसर इज नो। इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? इसके लिए रहेगा आपका प्रोडक्शन मैनेजर। इट मींस अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस देखना है एक्चुअल, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, P1 1000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट 80 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन। ये पॉइंट पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन। मैंने लिखा भी आपको पॉइंट नंबर 3 के नीचे, बिकॉज द प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन। इट मीन्स 20 एंड आपका प्रॉफिट हो गया 20,000। प्रॉफिट मैनेजर की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से। इसका मतलब ये चीज आप ध्यान रखना, आपसे बहुत मिस्टेक होगा, बार बार मिस्टेक होगा,
प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन। इसका मतलब अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट देखना है तो यू टेक एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। इसी के ऊपर आपका मई 22 में जबरदस्त एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने ओपन चैलेंज के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, तीन पॉइंट मैंने आपको बनाया, व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, 11.1 पे मैंने आपको थ्योरी लिख के दिया है, व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, प्रॉफिट मैनेजर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन। ओके, अब इसमें मैं आपको क्या हेल्प करूंगा, तो मैंने आपको लिखा है स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम। डीकेसी आपको क्या हेल्प करेगा, आप मजा आना चाहिए यार, मजा आ गया आप ऐसे बोलोगे करके ना। स्टेप वन, टेबुलर फॉर्म, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इस तरह का टेबल बना के टेबुलर फॉर्म। एंड स्टेप नंबर टू इज योर एनालिसिस ऑफ वेरियंस, कितने तरह के वेरियंस रहेंगे फ्रेंड्स। पहला आपका सेल्स और टर्नओवर वेरियंस, पहला आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स, सेल्स और टर्नओवर वेरियंस। इसके दो पार्ट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट और मार्जिन वेरियंस, इसको बोलेंगे कॉस्ट वेरियंस। कॉस्ट में आपका एक आएगा मटेरियल, एक आपका आएगा लेबर, एक आपका आएगा वेरिएबल ओवरहेड, एक आपका आएगा ओवरहेड, एक आपका आएगा ओवरहेड वेरिएबल एंड फिक्स्ड। पहला आपका क्या आएगा फ्रेंड्स, सेल्स और टर्नओवर वेरियंस, उसमें आपका एक आएगा प्रॉफिट वेरियंस, मार्जिन वेरियंस, राइट। दूसरा आपका आएगा कॉस्ट वेरियंस, कॉस्ट में एक आपका मटेरियल, दूसरा आपका लेबर, तीसरा आपका ओवरहेड वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड। इतने तरह के टोटल अपने पास वेरियंसेस रहेंगे। स्टेप वन, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म। और स्टेप नंबर टू मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द वेरियंसेस। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्चुअल क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बट एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है।